इंडियन सिनेमा की 5 सबसे ज्यादा VFX यूज करने वाली मूवी। नंबर 5 पे है ऋतिक रोशन की क्रिश 3 मूवी। 1 नवंबर 2013 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किए थे ऋतिक रोशन के पापा यानी राकेश रोशन ने, और ये मूवी VFX के कारण इंडियन सिनेमा में बहुत ज्यादा सुपर हिट भी हुई थी। नंबर 4 पे है शाहरुख खान की रावण मूवी। 26 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई इस मूवी ने इंडियन सिनेमा में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पर लोग सुपर हीरो मूवी देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण से ये मूवी फ्लॉप हो गई। नंबर 3 पे है रोबोट 2.0 मूवी। 29 नवंबर 2013 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एस शंकर ने, और ये मूवी VFX के कारण इंडियन सिनेमा में बहुत ज्यादा सुपर हिट भी हुई थी। नंबर 2 पे है बाहुबली 2 मूवी। 18 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किए थे SS राजामौली ने, और इस मूवी ने साउथ सिनेमा को एक अलग ही पहचान दी थी, और ये मूवी VFX के कारण सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी में से एक है। नंबर 1 पे है SS राजामौली की RRR मूवी, और ये मूवी इंडियन सिनेमा के अलावा कई देशों में अपना नाम बना लिया है।